दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल। नौगांव नगर में बन रही फिल्म की शूट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर नारायण चौहान ने कहा यह फिल्म किसी भी ओटीटी चैनल के पहले बुंदेलखंड के सभी सिनेमा घरों पर एक ही दिन में रिलीज की जाएगी। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड बहुत खूबसूरत जगह है, जल्द ही अपनी दो और बड़ी फिल्म भी यहीं शूट करेंगे। श्री चौहान ने बताया कि इस फिल्म के निर्माता बरसाना फिल्म के अखिलेश निगम हैं। फिल्म की कहानी नौगांव नगर के ही नितेश सिंघल की है और उसे नौगांव के ही पुष्पेंद्र चौबे ने सजाया है, तो वहीं डायलॉग सौरभ शर्मा ने दिए। फिल्म की शूट डिसलरी रोड पर बने अमित मेहरोत्रा के बगीचे पर हो रही है। इस फिल्म में मुंबई से आए सुनील कुमार, जिन्होंने धारावाहिक लापतागंज में सुत्ती हलवाई की भूमिका की, वहीं भोपाल से आरती शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई है। अन्य कलाकारों की भूमिका में नितेश सिंघल, राहुल नामदेव हैं। साथ ही साथ मेहमान कलाकारों में मुक्ति मंसौरिया, सर्वेश खरे, प्राची चौरसिया, अनिरुद्ध मिस्त्री सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल रहे। पहला उद्देश्य तो ये है कि जो बुंदेलखंड में मैं शूट कर रहा हूँ कि यहाँ बुंदेलखंड में एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री स्थापित हो जो किसी भी मायने में हमारी भोजपुरी, मराठी या बंगाली सिनेमा से कम ना हो। तो अभी शुरुआत है और बहुत अच्छे लेवल पर शुरुआत हुई है, कुछ अच्छी फिल्में बुंदेली आई हैं और मेरी कोशिश हमारी और नितेश जी और जितने भी हमारे यहाँ बुंदेलखंड में लोग हैं जो फिल्म लाइन से थोड़ा सा जुड़े हुए हैं और जो चाहते हैं कि बुंदेली सिनेमा यहाँ स्थापित हो, तो बहुत जल्दी हम लोग ये एक पूरा का पूरा एक माहौल ऐसा क्रिएट करेंगे कि बुंदेली सिनेमा यहाँ पे बहुत जल्दी स्थापित हो। हमारी कोशिश ये है कि हमने जितना भी बुंदेलखंड में जो जितने भी ज़िले हैं उन सब के एक एक दो दो कलाकार को इस फिल्म में लिया है। हमारी क्योंकि मेरी कोशिश थी कि हमारी जो बुंदेली भाषा है वो हर एक जनपद के साथ बदल जाती है, तो इसमें जो फ्लेवर है वो जितनी भी बांदा की अपने बुंदेली अलग है, महोबा की बुंदेली अलग है, छतरपुर की बुंदेली अलग है, तो सबका फ्लेवर आए एक हिंदी स्वरूप में, इसलिए हमने सारे बुंदेलखंड के कलाकारों को इसमें लोकेशन क्या चुनी है आपने? लोकेशन हमारी पहली लोकेशन तो अपनी नौगांव ही है। नौगांव में ये जो अपना किला है तो गुप्ता मल्होत्रा जी का बहुत अच्छा लगा मुझे और इसमें तो मैं शायद भविष्य में और दो तीन फिल्म शूट करने वाला हूँ।